बस वर 14 पर बाहरी लोगों की एंट्री पूर्ण किया बंद सोनूराम। दिल्ली पंजाब बस थाने लोगों के सरस्वती तीर्थ पर जाने पर पुलिस की रहेगी पैनी नजर। सैंपलिंग के लिए स्थानीय लोगों से प्रशासन की अपील। ग्राम सरपंचों व जन प्रतिनिधियों से लिया जाएगा सहयोग। पिहोवा उपमंडल अधिकारी सोनूराम ने कहा कि कोरोना अपने व्यापक स्तर पर जनजीवन को प्रभावित कर रहा है। कोरोना संक्रमण के बढ़ते असर को देखते हुए सरकार द्वारा जारी आदेशों के अनुसार कोरोना नियमों की पालना के प्रति सख्ती करने के आदेश स्थानीय पुलिस प्रशासन को जारी कर दिए हैं। शुक्रवार को देर किसान रेस्ट हाउस पिहोवा में कोरोना महामारी को लेकर आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों व समाज सेवी संस्थाओं के प्रतिनिधियों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पिहोवा एक धार्मिक स्थान है, यहाँ पर दिल्ली पंजाब व आसपास के राज्यों से श्रद्धालु सरस्वती तीर्थ पर अपने पितरों की गति मुक्ति के लिए आते हैं, लेकिन इस बार कोरोना महामारी के कारण बाहर से आने वाले लोगों का प्रवेश सरस्वती तीर्थ परिसर में पूर्णतया बंद रहेगा। उन्होंने कहा कि अन्य शहरों व अन्य राज्यों के लोगों के साथ साथ स्थानीय लोग भी सरस्वती तीर्थ पर किसी भी तरह का धार्मिक अनुष्ठान अमावस व 14 के दिन नहीं करने दिया जाएगा। इसके लिए पुलिस प्रशासन को हिदायत जारी कर दी गई है कि अमावस से एक दिन पहले नाके लगाकर लोगों की एंट्री बंद की जाए, ताकि चोरी छिपे भी लोग सरस्वती परिसर में दाखिल न हो सके। सर, आज का जो विषय था तो बताइए, सबके सामने रखिए। कोरोना संक्रमण जैसे बढ़ रहा है, उसकी वजह से उपमंडल पिहोवा में डेथ केसेस रिपोर्ट हो गई, जो धीरे धीरे बढ़ने लग गई, और अब ये ट्रांसमिशन जो है एक खतरनाक रूप धारण करने जा रहा है। इसके बारे में जो लोगों के अंदर भ्रांतियाँ हैं और प्रशासन को लेकर उनके अंदर मन में जो भय है, वो सब दूर करने के लिए, जो मिस इन्फॉर्मेशन और र्यूमर्स हैं उसको दूर करने के लिए, आज हमने यहाँ पर एक पत्रकार बंधुओं से और बाकी हमारे सरकारी कर्मचारी हैं उनके साथ में एक मीटिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस के रूप में, इसमें हम जो जो भ्रांतियाँ हैं वो दूर करने की कोशिश की गई। लोगों को ये भ्रम है कि अगर किसी को कोरोना नहीं भी है तो उसका सैंपल लेके और रिपोर्टिंग जो है ऑथेंटिक नहीं आती, किसी को भी पॉजिटिव बता देते हैं, किसी को भी नेगेटिव बता देते हैं। मैं उनको कहना चाहूँगा कि हमारा जो दूसरा टेस्टिंग मेथड है, अब हम वो भी यूज़ कर रहे हैं, रैपिड टेस्ट जिसे बोलते हैं, आधे घंटे में ऑन द स्पॉट ही टेस्ट आ जाता है और वहाँ पर उसको कंफर्म पता चल जाता है कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर वो सिम्टोमेटिक है, उसके अंदर लक्षण है, तो उसको मेडिकल क्वारंटाइन में रखा जाएगा। उसे जो हमारे डेडिकेटेड सेंटर्स हैं, जैसे मुलाना हॉस्पिटल है, LMJP हॉस्पिटल है, यहाँ पर डॉक्टरी सुपरविज़न के अंदर रखा जाएगा, ताकि उसे कोई भी बीमारी या कोई भी लक्षण उसका पैदा होता है तो उसको साथ के साथ ट्रीट किया जाए, ध्यान रखा जाए। मुख्य उद्देश्य ये है कि लोग जो है इन्फेक्शन के बाद से जो उनका अहम पीरियड होता है, अहम समय होता है, बहुमूल्य समय, उसको ना खोएं। और जो लोग आ रहे हैं वो उस समय पर आते हैं जब उनको बिल्कुल इन्फेक्शन हो जाता है और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगती है, तब हमारे पास समय नहीं बचता, चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल में जा रहे हैं या चाहे वो सरकारी हॉस्पिटल में आ रहे हैं, तब उनको ट्रीट करना मुश्किल हो जाता है और उससे मोर्टैलिटी रेट बढ़ती है। तो लोगों से यही उम्मीद है और यही मैं एक प्रार्थना करता हूँ कि हमारी जो सैम्पलिंग टीम्स जा रही हैं, चाहे वो मोबाइल हेल्थ टीम जा रही है और चाहे तो सरकारी अस्पतालों में आएँ और अपना इलाज अपना जो है सैंपल करवाएं। आपकी जितनी जल्दी रिपोर्ट आएगी उतना ही फ़ायदा रहेगा आपके लिए, उतना ही ज़्यादा समय होगा आपके ट्रीटमेंट के लिए। तो ये जितनी जल्दी आपकी सैंपलिंग होकर रिपोर्ट आएगी उतना ही ज़्यादा आपका बचाव है। ये मेरा लोगों से अनुरोध है कि वो सब आके अपनी सैंपलिंग कराएँ और अपने परिवार के प्रति, जो बुज़ुर्ग हैं या परिवार में कोई किसी डिसीज़ से पीड़ित है, किसी क्रॉनिक डिसीज़ से पीड़ित हैं या बच्चे हैं, उनके प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाएं और इसको नज़रअंदाज मत करें, क्योंकि प्रतिदिन अब जो है डेथ के केसेस रिपोर्ट होने लग रहे हैं और ये धीरे धीरे संक्रमण जो है बढ़ता जा रहा है। इसको डेथ्स को कैसे कम लाना है, इसमें वो हमारा सही है।